अपने देख रहा जी टीवी टुडे टुडे समाचार में अपने के स्वागत है। प्रणाम हम ज्योति शुरू करी। जनकपुर धाम सहित देश भर विद्या के देवी माता सरस्वती के पूजा आराधना कक मनाल जा रहा संबंधी समाचार सब। प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल पंचमी के दिन मनाल जाय वाला श्री पंचमी आज जनकपुर धाम सहित देश भर विद्या के देवी माता सरस्वती के पूजा आराधना कक मनाल गया। आजुक दिन के बसंत पंचमी से कहल जात आ आई के दिन सरस्वती के पूजा आराधना केला पर विद्या बुद्धि बढ़त कई जनविश्वास रहियाल। आजुक दिन छोट धियापुता के लिख पढ़ कर सिखल गया तो विद्या आ बुद्धि बढ़त जनविश्वास है। आजुक दिन विवाह व्रतबंध आ बेल विवाह जेहन सामाजिक तथा धार्मिक कार्य करबाक हेतु साइत देख नहीं पड़ित छोट धियापुता के आजुक दिन से विद्यालय पठाब के अक्षर आरंभ कराब आ नाक कान छेदबाक चलन है। जनकपुर धामक हरेक सामुदायिक तथा निजी विद्यालय कैंपस कोचिंग सेंटर सब शैक्षिक संस्था लगात के प्राय हरेक चौक सब में युवा क्लबक युवा सब सरस्वती के प्रतिमा राख पूजा पाठ के आज सरस्वती पूजा में घूमघाम करबाक लेल नव वस्त्र खरीद कर काल्हि से बाजार में भीड़भाड़ सेहो देखल गेल। प्राय सब कपड़ा दुकान सब में विद्यार्थी सब के भीड़ देखल गेल। सूर्य उत्तर दिश लगला से दिन लंबा हेबाक आ बसंत ऋतु प्रारंभ हेबाक विश्वास के संग आजुक दिन के बसंत पंचमी सेहो कहल जात अवसर में हनुमान ढोका दरबार के नासल चौक में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पूर्ण आ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बसंत श्रवण कलत। काठमांडू उपत्यकाक शंभू मैती देवी आ गौरीधारा स्थित नील सरस्वती ललितपुर के लेले तथा अन्य जिला में रहल सरस्वतीक मंदिर में पूजा पाठ कर छात्र छात्रा के भीड़ लागल छल। प्रदेश दू सरकार मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत प्रदेश सरकार के तीन वर्ष से कार्यकाल पूर्ण रूप में सफल भेल दावी कर रहल समय प्रतिपक्षी दल सब असंतुष्टि जनौने अछि। प्रदेश सरकार के तीन वर्ष से कार्यकाल पूरा भेल अवसर में सोम दिन मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय आलोचना केने प्रदेश दू सरकारक तीन वर्ष के उपलब्धि सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम में बजत राउत एहन दावी कलाक बाद प्रतिपक्ष दलक नेता सब असंतुष्टि जनौने छथि। प्रतिपक्ष दलक नेता सब सरकार के तीन वर्ष कार्यकाल गप आ भ्रष्टाचार में बीतल आरोप लगौने छथि। ओ सब प्रदेश सरकार टुकड़ा योजना सबके समेत अपन उपलब्धि के रूप में कहलाक बाद एहन बतौने अछि। सरकार के भ्रष्टाचारी के संज्ञा दैत ओ सब सरकार पूर्ण रूप में असफल रहल जिक्र केने छथि। प्रतिपक्षी दलक नेता सब प्रदेश सरकार तीन वर्ष कार्यकाल में जनता देख जका परिणाममुखी काज से बेसी कार्यकर्ता पाल बाहेक किछ कर नहीं सकल आरोप लगौलनि। नेपाली कांग्रेसक संसदीय दलक नेता राम सरोज यादव सरकार सार्वजनिक केने तीन वर्ष के उपलब्धि गप के पुलिंदा आ भ्रष्टाचारक पराकाष्ठा बाहेक किछ नहीं रहल बतौलनि। विकास के सिद्धांत से सरकार विचलित भेल बतौबत पिछड़ल क्षेत्र में लगानी होब पड़बाक में ओने कमीशन के लेल अपन दलक नेता कार्यकर्ता सब मार्फत उपभोक्ता समिति बना का काज कराब के अर्थ बजट के दुरुपयोग बाहे किछ नहीं रहल ओ आरोप लगौलनि। यादव कहलनि प्रदेश सरकार मठ मंदिर पोखरि के सौंदर्यीकरण पीसीसी ढलान ग्रावेल लगात के वार्ड कार्यालय करब वाला खुदरा काज युद्ध जीतने जेहन उपलब्धि के रूप में गिनती कर रहल छथि। आम जनता प्रत्यक्ष रूप में लाभान्वित होब सकबाक वा ओकर सबक जीवन नीक उत्साहित कर लेल आय अर्जन तथा शिक्षा स्वास्थ्य में प्रदेश दू सरकार एकोटा उपलब्धि मूलक काज कर नहीं सकल। कोरोना रोकथाम तथा नियंत्रण के नाम में मास्क स पीसीआर मशीन लगात के सामग्री खरीद आ क्वारंटाइन तथा आइसोलेशन के नाम में करोड़ों रकम खर्च केने सरकार बतौबत अलाक बादो सत्तारूढ़ दलक नेता कार्यकर्ता बाहेक आम नागरिक कोनो लाभ लेब नहीं सकल नेता यादव के दावी छन। धनुषा में एक भिनसर एक महिला के लाश खेत में भेटल। जिला कमला नगर पालिका वार्ड नंबर दू माची झिटकैया में आई भिनसर एक महिला के लाश खेत में भेटल। इलाका प्रहरी कार्यालय खजूरी जनौने अछि कमला नगर पालिका वार्ड नंबर दू माची झिटकैया टोल जाय वाला हुलाकी राजमार्ग से करीब 10 मीटर दक्षिण खेत में ओ महिला के लाश मृत भेटल। ओही वार्ड के वार्ड अध्यक्ष धनेश्वर यादव जानकारी देलनि। मृतक महिला झिटकैया के पश्चिमवारी टोल रहनिहार खुशिया गडेरी के अंदाजी 42 वर्षक पत्नी रहल ओ बतौने छन। आ भिनसर स्थानीय एक युवक शौच कर लेल घर से बाहर निकलत खेत दिस गेल क्रम में महिला के मृत अवस्था में देखलाक बाद वार्ड अध्यक्ष के खबर केने छल। मृतक महिला खुशिया गडेरीक दू पत्नी मध्य पैघ पत्नी छली। हुनकर हत्या कऽ खेत में फेकल होब सकबाक आशंका कयल जा रहल अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय खजूरीक प्रहरी निरीक्षक हृदयेन्द्र रुकाया घटना बारे अनुसंधान शुरू कयल गेल जानकारी देने छथि। प्रदेश दू के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह मंगल दिन तीन टा संरचना के उद्घाटन कलत। सब तरीके हनुमान नगर कंकाली नगर पालिका में कक्षा कोटली भवन आ बीमारक परिवार के लेल कुरवा घर तथा तिरहुत गांव पालिका के त्रिकोल बेरवा में धर्मशाला आ विवाह मंडप के अलग अलग समारोह बीच मंत्री शाह उद्घाटन कलनि।
हनुमाननगर कंकाली नगर पालिका 10 भगवानपुर स्थित राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय में कक्षा कोटली के अभाव के कारण पठन पाठन में समस्या रहता है। सामाजिक विकास मंत्रालय के 20 लाख के लागत में 2 तल्ला भवन तैयार भेलाक बाद मंत्री शाह के उद्घाटन कलि। तहिना वही नगर पालिका 7 स्थित स्वास्थ्य चौकी में संसदीय विकास कोष से निर्मित कुरुआघर समेत मंत्री शाह उद्घाटन के लिए। तहिना तिरहुत गांव पालिका 1 स्थित त्रिकोण बैरवा में से हो संसदीय विकास कोष के 90 लाख रुपया लागत में निर्माण कल गए धर्मशाला और विवाह मंडप समेत के मंगले दिन मंत्री शाह उद्घाटन कल। स्थानीय कुश्मी देवी पजियार स्वर्गीय पति छेदी पजियार के नाम में करीब 3 करोड़ मूल्य पड़े वाला 10 कट्ठा जमीन निःशुल्क उपलब्ध करौलाक बाद धर्मशाला और विवाह मंडप निर्माण कल गए मंत्री शाह के स्वकीय सचिव राजकुमार यादव जानकारी दिलन। करोड़ों मूल्य पड़े वाला जमीन दान के निहार जमींदाता के सम्मान करित कुश्मी देवी के अध्यक्षता में उद्घाटन समारोह के आयोजना कल गए। धर्मशाला विवाह मंडप के उद्घाटन करित मंत्री शाह एहन संरचना के निर्माण से स्थानीय के सहज आ स्थानीय स्तर में धार्मिक पर्यटन के प्रवर्धन में सहयोग पहुंचत विश्वास व्यक्त कलन। मंगल दिन उद्घाटन कल गए विद्यालय भवन तथा कुरुआघर से शिक्षा और स्वास्थ्य में स्थानीय के किछुए सही मुदा सहजता भेटत मंत्री शाह विश्वास कलन। सीमित बजट के बावजूदों प्रदेश सरकार जनता की आवश्यकता के आधार में विकास निर्माण के आगू बढ़ावा तत्पर रहल मंत्री शाह के कहब छलन। कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य मनीष सुमन हनुमाननगर कंकाली नगर पालिका प्रमुख शैलेश शाह कंचनरूप नगर पालिका प्रमुख बसंत मिश्र तिरहुत गांव पालिका अध्यक्ष हेमंत बहरखेर सामाजिक विकास मंत्रालय सचिव कृष्ण प्रसाद कापड़ी योजना महाशाखा प्रमुख ठूलो बाबू दहाल मंतव्य व्यक्त कने छलथि। नेपाल में मंगल दिन थप 105 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल। संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,72,945 पहुंचल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौनी। आज तहिना थप 99 गोटे कोरोना मुक्त भेला से हाल धरि नेपाल में 2,69,303 गोटे कोरोना के जीतने आज। बीतल 24 घंटा में कोरोना के कारण ककरो भी जान नहीं गेल। नेपाल में अखन धरि 2,055 गोटे नेपालक कोरोना के कारण जान गुमौने आज। हाल 1,587 गोटे आइसोलेशन में 74 गोटे क्वारंटाइन में। हाल धरि 21,23,951 पीसीआर कल गए मंत्रालय जानकारी देने आज। सरस्वती पूजा के विषय में विवाद भेला से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने कपाक दुनू प्रमुख विद्यार्थी सब बीच झड़प भेलाज। काठमांडू स्थित रत्नराज लक्ष्मी कैंपस में नेकपा ओली समूह और दहाल नेपाल समूह विद्यार्थी सब बीच झड़प भेल। झड़प में पड़ दहाल नेपाल समूह 1 गोटे विद्यार्थी दीपक बस्नेत के दाँत टूटल कैंपस के स्वकीय सभापति टपेंद्र शाही बतौलन। झड़प में संलग्न के कार्यवाही कर प्रहरी में उजुरी दिल गेल ओ जानकारी दिलैत। प्रतिनिधि सभा विघटन के निहार प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के कदम विरुद्ध विवेकशील साझा पार्टी काठमांडू में विरोध प्रदर्शन के लगाए। कदम असंवैधानिक भेल आ आई के सच्याव पड़वाक कहित विवेकशील साझा मंगल दिन काठमांडू के शांति वाटिका में विरोध प्रदर्शन के लिए। प्रदर्शन में सहभागी विधि के शासन कायमगर न्यायालय मान जोगाव लगात के नारा लिखल गेल कारी कपड़ा पहिरने छल त तराजू सहित ओ सब प्रदर्शन में सहभागी भेल छल। केपी ओली के निरंकुशता आ प्रतिगमन दिश के यात्राक विरुद्ध लगातार संघर्ष में क्रियाशील हैब ओ पार्टी के कहब। प्रतिनिधि सभा विघटन करवाक असंवैधानिक कदम विरुद्ध 10 दिन धरि हरेक दिन बेरिया 4 बजे शांति वाटिका में जमघट भक प्रदर्शन करवाक विवेकशील साझा जनौनी आज। सरकार आपसे कक्षा 10वीं समेत भरना होब सकबाक व्यवस्था कलक आज। शिक्षा नियमावली के नव संशोधन कक्षा 9वीं भर्ना भक रजिस्ट्रेशन फार्म भरलाक बाद वही विद्यालय से एसईई परीक्षा देव पड़वाक प्रावधान हटौलक आज। मूल नियमावली के 80 में महामारी वा एहने अन्य विपद के कारण पठन पाठन अवरुद्ध भ विद्यालय से स्थानांतरण होबय पड़ल विद्यार्थी स्थानांतरण भक आब चाहने स्थान के विद्यालय ओ कारण खोल निवेदन दिल गेल में संबंधित विद्यालय ओहन विद्यार्थी के स्थानांतरण करय पड़वाक व्यवस्था कयल गेल अछि। तहिना उपनियम 2 में रहल कक्षा 10 में कई शब्द सब के सट्टा कक्षा 12 में कई शब्द सब राखल गेल अछि। एहिसँ पहिने वैवाहिक समन के कारण व सरकारी कर्मचारी रहल अभिभावक के सर्वाविल अवस्था में बाहिक कक्षा 10 में भर्ना होबय नहि पेबाक व्यवस्था छल। कोरोना महामारी के कारण स्थानांतरण होबय वाला विद्यार्थी के लक्षित कऽ कऽ नियमावली संशोधन कयल गेल। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालयक सचिव गोपीनाथ मैनाली जानकारी देने छथि। कोरोना महामारी के कारण ए वर्ष के शैक्षिक सत्र ज्येष्ठ में मात्र समाप्त हैत। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ कोरोना कारण ए वर्ष के शैक्षिक सत्र के 14 महीना बनाल गेल बतौलन। मंगल दिन काठमांडू के कृतिपुर स्थित सफलता HIV शिक्षा सदन आयोजना के सरस्वती पूजा में सहभागी भेलाक बाद संचारकर्मी संवाद करैत मंत्री श्रेष्ठ ज्येष्ठ महीना में SSC परीक्षा हैत आ संघीय सरकारे SEE परीक्षा लेत ओ बतौलन। ओ नया शैक्षिक सत्र SEE परीक्षा समाप्त भेलाक बाद अखाड़ 1 गति से शुरू हैत जानकारी दिलन। मदद
यो शैक्षिक सत्र भनेको जनरली 12 महिनाको हो यो कोभिडले गर्दाखेरि 2077-78 को सन्दर्भमा चाहिँ यसले 14 महिना कभरेज गर्ने भयो त्यसले चाहिँ तपाईले सोधिरहेको विषयमा हामीले यसपाली एसी एग्जाम चाहिँ नियमित कोर्स भन्दा अलिकति 2 महिना जति एक्सटेन्ड गरेर यो जेठ महिनामा हामी चाहिँ एसी एग्जामको तयारीमा लागिसकेका छौँ र त्यो पनि कसले लिने भन्ने कुरामा चाहिँ यो केन्द्रीय तहबाटै चाहिँ संघीय तर्फबाटै एसी एग्जामको चाहिँ नि यसपालि व्यवस्थापन गर्ने भयो नयाँ शैक्षिक सत्र चाहिँ नि अब भर्खरै माथि यसको चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा टुङ्गो भइसकेको हुनाले अबको श्रावण महिनामा जेठ महिनामा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने भयो श्रावण महिनादेखि चाहिँ नि नयाँ तहिना मधुरश्रेष्ठ शिक्षक सेवा आयोगमे सिफारिस भेल व्यक्ति सबके नियुक्तिके लेल मन्त्रालय तयारी कऽ रहल जानकारी देलथि ओ विधि प्रक्रियाके आधारमे अध्ययन कऽ कऽ अन्तिम छनौट कयल जेबाक बतौलथि आब अन्तर्राष्ट्रीय समाचार भारत के बिहार में सोम के रात भूकंप गेल भारतीय संचार माध्यम के अनुसार सोम दिन रात 9:23 में बिहार में 3.5 रेक्टर स्केल के भूकंप गेल भूकंप के केंद्र बिंदु बिहार के नालंदा से 20 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में रहल भारतीय मौसम विभाग जनौने भूकंप के झटका लगले बिहारक पटना लगायत शहर के बासिंदा घर से बाहर निकलल छल पटना लगायत भागलपुर गया औरंगाबाद नालंदा नवादा बक्सर में भूकंप के झटका महसूस कयल गेल छल किस दिन पहिने मात्र भारत के राजधानी नया दिल्ली लगायत आसपास के क्षेत्र में शक्तिशाली भूकंप गेल छल भारत के मध्य प्रदेश में सवारी दुर्घटना में पड़ 35 गोटे के मृत्यु भेल मध्य प्रदेश राज्य के सीधी जिला में मंगल दिन भिनसर एक यात्रुवाहक बस दुर्घटना भेला से 35 गोटे के मृत्यु भेल भारतीय संचार माध्यम सभक अनुसार सीधी सतना जा रहल बस मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से करीब 560 किलोमीटर दूर रामपुर नैकिन में भिनसर करीब 8:30 बजे पुल से नीचा बांधसागर परियोजना के नहर में खसल छल सड़क में साइड लगाब के क्रम में वो बस पुल से नीचा नहर में खसल बताल गया बस में 60 गोटे यात्रु रहल भारतीय संचार माध्यम सब जनौने मध्य प्रदेश सरकार जनसंपर्क विभागक अनुसार हाल धरि नहर से 35 गोटे के लाश निकालल गेल नहर में खसल 7 गोटे यात्रु सब पौड़ी खेल के बचाव सफल भेल आरो 18 गोटे हरा रहल आ ओकर सबके खोजी कार्य जारी रहल बताल गेल अब एकटा खेलकूद समाचार राजधानी में जारी राष्ट्रीय महिला लीग फुटबॉल में रोथड़ के चंद्रपुर नगरपालिका जीत निकालने एनफा कॉम्प्लेक्स सादोबाटो में मंगल दिन भेल खेल में चंद्रपुर उदयपुर के चौदंडीगढ़ी नगरपालिका के 2-1 गोल अंतर से पराजित कल चंद्रपुर के जीत में रजनी थोकर अदिल कुमारी राणा 1-1 गोल खेली चौदंडी के मनीता तामांग 1 गोल घुराली पहल हाफ के इंजुरी समय में रजनी गोल करते चंद्रपुर के अग्रता दियोनी चली खेल के 66 मिनट में दिल कुमारी गोल करते टोली के अग्रता 2-0 के बनौली खेल के 68 मिनट में चौदंडी के मनीता 1 गोल घुरानी चली जीत संगे चंद्रपुर 11 खेल में 9 अंक जोड़ने आज लीग में तेसर जीत निकालने चंद्रपुर 6 स्थान में रहल आज बेस तो टुडे समाचार अखन के लिए हम ज्योति के दिए जेबाक आज्ञा देखते रही टीवी टुडे नमस्कार।